सर, सबसे पहले तो मैं भाषण डॉट कॉम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं सहभागिता कर सकूँ। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ अपने परिचय को लेकर। ये ऐसा नहीं है जैसा मैं जानती हूँ, शायद मैंने कुछ गलत भेज दिया है। एनीवे मेरी 9 कहानी संग्रह है और एनीवे परिचय तो रचनाओं से ही होता है। फाइनली मैं एक और बात में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे मैम ने जो दी है कहा था कि सिर्फ 10 मिनट बोलना है, और 10 मिनट में मैं विषय को कैसे समेटूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए थे, फिर मैंने सबको हटा दिया। तो आई होप कि अभी भी मुझे 10 मिनट ही बोलना है, और ना मुझे अधिक बोलना पसंद है ना लोगों को अधिक सुनना पसंद है, ये बात मैं समझती हूँ। तो जो विषय है कि संबंधों की नई परिभाषा लिखती कहानियाँ, तो तेजी से जो समय बदल रहा है उसकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में संबंधों का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है, और जिसकी धमक हम वर्तमान जो साहित्य है उसमें स्पष्ट सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से सरोकार का साहित्य अपने समय का सच लिखता है, आप सब जानते हैं, और इसे पढ़ना अपनी युगीन चेतना को उसकी संपूर्णता में समझना है। जो साहित्य अपने समय से उसी यथार्थ से कटा होता है, विमुख होता है, उदासीन होता है, वह मनोरंजक तो हो सकता है लेकिन संजीदा या जिम्मेदार नहीं। वैसे मुझे इस बात की बहुत आश्वस्ती है जब मैं आज का साहित्य देखती हूँ, मेरी अपनी समझ में जो आज जो लिखा जा रहा है, जो साहित्य उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें जो बदलता समाज है, समय है, उसकी तमाम सुगुगाहट, उसकी चिंताओं को, उसके तनाव को हम बेहतर समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चूँकि विषय बहुत व्यापक है और समय की पाबंदी है, तो मैं चाहूँगी कि जो महिला कथाकार हैं खासकर, उनकी जो रचना है, जो नई परिभाषा रचती हुई कहानियाँ हैं बदलते संबंधों की, उन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा, रोजगार और एकल परिवार, इसके साथ जो कम्युनिकेशन है और एक आभासी दुनिया का विस्तार है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारक है जिन्होंने जो पारिवारिक संरचना है, जो संबंधों का स्वरूप है, उसे गहरे प्रभावित किया है। तो ये संबंध जो है सिर्फ मनुष्य का मनुष्य से संबंध नहीं, बल्कि मनुष्य का अपने पर्यावरण से, अपनी पूरी दुनिया से, समाज से, एक ग्लोबल जो आज दुनिया हो रही है उससे भी संबंध बहुत बदले हैं। और इन सबके बीच हम पाते हैं कि जो स्त्री है खासकर, उसके जीवन में जो बदलाव आए हैं उनके संबंधों में, कई मायनों में वह बहुत औचक है और बहुत क्रांतिकारी है। पहले घर की छोटी सी चौहद्दी में जो स्त्री कैद थी, आज वह कैद थी और फिर खिड़की से, झलकों से बाहर की दुनिया को देखती रही है एक लंबे समय तक, कम से कम हमारे जैसे समाज में। लेकिन अब जब समय बदला है तो वह घर की चौखट को लांघ कर बाहर की एक बड़ी दुनिया में दाखिल हुई है। अब उसकी चिंताओं में सिर्फ बच्चे और घर परिवार बर्तन यही नहीं है, इसके साथ जो बड़ी चिंताएं हैं जीवन की, जो प्रश्न हैं अर्थ उपार्जन की, रोजगार की, शिक्षा की, ये चिंताएं भी उनकी चिंताओं में शामिल हो गई है। तो एक बहुत सीमित दुनिया से निकल कर एक बहुत बड़े खुले प्रांगण में वह आ गई है,
और इस चीज़ की जिम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ रही है। तो घर और बाहर के हर मोर्चे पर जो स्त्री बहुत दमखम के साथ लड़ रही है, जूझ रही है, जीवन का सामना कर रही है, आज के साहित्य में उसे बहुत संजीदगी के साथ दर्ज किया जा रहा है। खासकर जो महिला कथाकार हैं उन्होंने इस विषय को बहुत प्रमुखता से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। रचनाकारों की पूरी गैलेक्सी है और ये बहुत बेहतर लिख रही हैं। बदलते संबंधों की जो नई परिभाषा की कहानियाँ हैं, कई नाम जो मुझे जरूरी नाम, बहुत से नाम छूट जाएंगे, उसमें सोनी पांडे हैं, योगिता यादव हैं, सीवाई शर्मा, प्रज्ञा रोहिणी, प्रज्ञा पांडे, कुछ वरिष्ठ में वंदना राग हैं और गीताश्री, इसके साथ नीलाक्षी सिंह हैं, बहुत सारे नाम, किरण सिंह हैं। इन सबकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो आज की जो स्त्री है वह अपने पूरे बदले हुए तेवर, अपनी चेतना, जो जागरूकता है, उन सबके साथ वह हम मौजूद पाते हैं उसको। इन कहानियों में जो स्त्री है वह सवाल करती है और उसके सवाल के घेरे में पूरी दुनिया है। वह अपने पुरुष से, अपने भगवान से, अपने समाज से, अपने परिवार से, हर जगह वह सवाल कर रही है। उसके सवाल के दायरे में हर कोई है, कोई छूट नहीं रहा है। बड़े बड़े प्रश्न हैं, उत्तराधिकार का प्रश्न है, संपत्ति का प्रश्न है, परिवार में जो उनके निजी संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, समाज में उनका स्थान है, इन सारे विषयों पर वह प्रश्न उठा रही है। और ये प्रश्न जो है स्वाभाविक है कि समाज को असहज कर रहा है। हमारे जैसे जो भारतीय समाज है, पुरुषवादी वर्चस्व का समाज है, उसमें ये प्रश्न उसे बहुत असहज, समाज को बहुत असहज कर रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।